आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां हम एग्जाम एनालिसिस एंड रिव्यू करेंगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 44/21 LDC DSSSB का। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस पर। आज 8 तारीख है, लगातार 8 दिनों से हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और कल भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद थोड़ा गैप आएगा, फिर आगे एग्ज़ाम होंगे और 23 तारीख को भी एग्ज़ाम होगा। तो अब एंड मोमेंट आ चुका है DSSSB LDC 44/21 एग्ज़ाम का। तो कुछ बातें जो यहाँ से निकल के आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यही निकल के आ रही हैं। एक तो वो साथी होंगे अभी जो अभी आगे एग्ज़ाम होगा वो देख रहे होंगे, और एक वो साथी होंगे जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका होगा वो देख रहे होंगे। तो दोनों का ही स्वागत है और दोनों के लिए ही कुछ कुछ बातें करेंगे आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो भाई, अगर एक कॉमन चीज़ देखी जाए तो अगर मैंने लगभग 90% जिनसे भी बात करी है तो उनका एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है, ये ठीक था, वो ठीक था, ये आसान था, वो आसान था, जीके में थोड़ा डामाडोल हुआ बट टाइम मैनेजमेंट रह गया, 140 क्वेश्चन कर पाया। दूसरा इंसान कह रहा है ये सब सही था, ये था वगैरह वगैरह, बस 150 कर पाया। तीसरा बोला कि 145, चौथा बोला 160 कर पाया। ऐसे कुल मिला के 90% बच्चे जिनसे मेरी बात हुई, 90% कैंडिडेट, तो उनका जो एवरेज अटेम्प्ट, स्कोर नहीं कहूँगा एवरेज अटेम्प्ट कहेंगे, तो उनका एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 145, 140 से लेकर 160 तक के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर थोड़ा और प्रिसाइसली एवरेज निकालेंगे तो 150 तक का सभी का बन रहा है। तो अब आप बोलोगे कि भाई 150 क्वेश्चन करने के बाद 2 घंटे में 200 मार्क्स में से फिर भी कैंडिडेट खुश क्यों नहीं निकल रहा है, फिर भी उसके मन में पछतावा क्यों है कि इतने ही कर पाया। वो इस वजह से कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, जिस हिसाब की आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब का ही पेपर आसान आ रहा है, जिससे आप लोगों का जो टाइम है वो थोड़ा लगने की वजह से थोड़ा सा एक झिझक वो रह रही है कि फ्रस्ट्रेशन है कि यार टाइम क्यों ज़्यादा लग गया, मैंने पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत सबके सामने फेस हो रही है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अटेंडेंस बहुत ही कम जा रही है, 30 से 32%, 35% इस हिसाब की एवरेज यहाँ पे अटेंडेंस जा रही है, यानी कि बच्चे एग्ज़ाम देने कम जा रहे हैं। किसी सेंटर में मैक्सिमम होगा तो 50% मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से कोई पेपर हो रहा होगा, जबकि इसमें तो 10th लेवल के बच्चे भी क्वालिफाइड थे तो बहुत भीड़ होनी चाहिए थी, बट एग्ज़ाम देने बहुत कम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ये नॉर्मल बातें हुई आप लोगों के लिए समझ में आई। और आज की अगर बात करें 8 तारीख की, तो आज 3 शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट में अलग अलग चीज़ें हुई। स्टार्टिंग में जो शिफ्ट थी जो उनमें बोला गया कि भाई मैथ्स में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, आज पूरे तीनों शिफ्ट में रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग थी, उनके जो पैटर्न है वो समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। जनरली मे भी थोड़ा बाद में स्ट्राइक करा कि वो तो अपोजिट अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है, तो इस तरीके से समझने में थोड़ी दिक्कत हुई रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आएगी, रीजनिंग में जो दिक्कत हुई वो दिक्कत हुई हमारी कहाँ पे, मतलब दिक्कत इनसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, पैटर्न समझने में जो टाइम लगा वो हमारा जो ये ऑड वन आउट वाली इमेजेस वाले क्वेश्चन नहीं होते कि भाई इसमें बन रहा है कुछ बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये समझने में, पेपर फोल्डिंग वाली चीज़ें समझने में, या फिर हमारा पैटर्न कंप्लीशन वाली चीज़ समझने में, उसमें थोड़ा सा सब कुछ सिमिलर 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 काइंड का था, तो उसमें समझने में टाइम ज़्यादा लगा, हो गया बट टाइम ज़्यादा लगा। तो इसीलिए ये थोड़ा ट्रिकीनेस यहाँ से निकल के आई है, ये पहले नहीं सुनने को आई थी, अभी सुनने को आ रही है। अगर पहले वाली शिफ्ट में भी ऐसा हुआ होगा तो इतना बताया नहीं गया, ठीक है, बट यहाँ पे आज ऐसा बोला गया कि रीजनिंग थोड़ी सी यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग थी। तो रीजनिंग में 40 मिनट तो कम से कम लग ही रहे हैं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट, यानी कि 40 मिनट यहाँ पे सभी का बोल रहे हैं कि हमारे 40 मिनट लगे, किसी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा है, तो वो 25 मिनट में 30 मिनट में कर पा रहा है। तो इसलिए रीजनिंग में आप लोगों को आगे आने वाली शिफ्ट के लिए एक जो सजेशन ये है कि कम से कम टाइम अपना रीजनिंग में बचाइए, ठीक है, रीजनिंग में बचाइए, यहाँ से बात क्लियर हो। और कुछ भी अलग नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हटके हो, ठीक है, कुछ भी हटके नहीं है, बहुत बेसिक रीजनिंग का पेपर है बट थोड़ा सा दिमाग लगा के करने वाली बात है। और बहुत ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन तो मैथ्स के डाले हुए रीजनिंग में, जैसे सिंप्लीफिकेशन जो होती है वो रीजनिंग में डाली हुई थी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन,
तो आप खुद देख लीजिए कि रीजनिंग कितनी आसान है कि उनको मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन रीजनिंग में डालने पड़े। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की बात सुबह की शिफ्ट में, दो शिफ्ट में जो एनालिसिस आया वो इस तरीके से आया कि कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे और टाइम ज़्यादा लगा, पहले 20 क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी बना दिए, बाद के 20 क्वेश्चन आसान बना दिए, और ये चलते चलते थर्ड शिफ्ट तक जब आया तो थर्ड शिफ्ट मैथ्स की हो गई बहुत ही ज़्यादा आसान। अभी एक दो से बात हुई मेरी तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई मैथ्स की शिफ्ट। इसमें आप यूं मान लीजिए कि 40 में से 35 क्वेश्चन के लगभग सिर्फ वन लाइनर थे। वन लाइनर का मतलब है उनकी जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक लाइन में ख़त्म हो रही थी, मैक्सिमम डेढ़ लाइन में ऐसे ख़त्म हो रहा था क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही छोटी हो जाती है वो हमें देखने में भी आसान लग जाता है और सॉल्व करने में भी आसान लग जाता है। कई क्वेश्चन तो जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के अगर कोई क्वेश्चन बताऊं तो इस तरीके से बताया गया कि किसी का आपको सेल प्राइस दे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ये पता लगाना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट इतना होता, सेल प्राइस डबल कर दिया होता तो कितना प्रॉफिट होता। तो ये देख लीजिए आप, खुद वन लाइनर क्वेश्चन थे। तो मैथ्स में एंड में आते आते यानी कि थर्ड शिफ्ट में आते आते मैथ्स बिल्कुल इजी हो गई। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन कुछ बता रहे थे कि कुछ जैसे आप एक क्वेश्चन मुझे अभी बताया कि एक क्वेश्चन उस तरीके का आया था टाइम एंड मैनेजमेंट, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क वाले में थोड़ा टाइम लग गया, वो हो गया सॉल्व, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेंसुरेशन थर्ड शिफ्ट में इजी थी, सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे और फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ ट्रिकी थे, बट थर्ड शिफ्ट में आते हुए वो बहुत इजी हो गया। तो मैथ्स का और रीजनिंग का तो भाई एक ही चीज़ है मेरे हिसाब से, सभी की बात सुन के मेरे हिसाब से इतना समझ में आता है, अगर 80 क्वेश्चन अगर हम मैथ्स के मानते हैं तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन डुएबल हैं, बहुत आसानी से डुएबल हैं। बट इन 70 क्वेश्चन में आप कम से कम टाइम लगाओगे ना तो आप लोगों को बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको करने में भी फ़ायदा मिल सकता है, उसमें आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो। अगर इन 70 क्वेश्चन जो कि डुएबल है, वो जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनमें अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया गया तो यहाँ पे मार खा जाएंगे हम। एक तो टाइम वैसे ज़्यादा लग गया, ऊपर से जो 10 क्वेश्चन और हो सकते थे वो भी नहीं हो पाए। तो इस तरीके से एक क्रिप्ट अर्थमेटिक का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है, अब क्रिप्ट अर्थमेटिक का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है। अब थोड़ा सा जैसे मैंने जो वीडियो बना रखी है अर्थमेटिक की, अगर अभी आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनको नहीं देखी है वीडियो अभी तक तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को तो कन्फर्म कर लीजिए, अभी जाके तैयारी कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, चलते हैं अब जीके की बात। जीके भाई धीरे धीरे करते 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 8वें दिन में आते आते बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल हो गई है जीके। अब बहुत ज़्यादा डीप पूछने की ज़रूरत कर रहा है TSSB। अब ऐसा हो गया कि 18-20 क्वेश्चन भी लोगों के निकलने टफ होते जा रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल ही सीधा पूछ लेते हैं, जैसे रिपब्लिक डे को क्या, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, और कुछ फिर UPSC लेवल जिसका बच्चे टैग दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा बट कुछ कह रहे हैं कि भाई ऐसे बोल देते हैं इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, या फिर 4 स्टेटमेंट दे दिया, अब इसमें से बताना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या इस पर कौन सी नहीं बैठती। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा, थोड़ा डीप स्टडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और अपने फेस्टिवल, फेयर्स, टेम्पल्स, म्यूज़िक, डांस, ये तो चीज़ आ ही रही हैं। करंट अफेयर्स तो आज हद हो गई है, ठीक है, करंट अफेयर्स की थोड़ी हद हो गई है। अभी तक हमने जितना सुना था उसमें यही था कि जून, जुलाई, अगस्त 2021 यहाँ तक की करंट अफेयर्स, यानी कि 2021 के 6 महीने की करंट अफेयर्स आ रही है। चलो ज़्यादा करें तो 2021 के 12 महीने की करंट अफेयर्स इंसान कर लेगा। बट आज थर्ड शिफ्ट में आते आते अभी जो बताया, सुबह की शिफ्ट में बोले कि 2021 के हैं, सेकंड शिफ्ट में बोले 2021 के करंट अफेयर्स हैं, शाम की शिफ्ट में दिसंबर 2020 के क्वेश्चन थे, और 2020 के क्वेश्चन 2 थे, आई गेस 2 या 3 बता रहे थे। तो उस हिसाब से यानी कि करंट अफेयर्स और पीछे की चली गई है, तो उस टाइम के यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछ लिया है DSSB ने। तो यहाँ पे जीके थोड़ी सी अब टफ होती जा रही है हर शिफ्ट के बाद बाद, तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल जो DSSB का नेचर है जनरल अवेयरनेस में, वो निखर के सामने आ रहा है। तो इसलिए इसकी सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगी कि करंट अफेयर्स आप 2021 के कर सकते हैं तो करके जाइए, दिसंबर 2020 को भी इंक्लूड कर लो अब, और नवंबर 2020 को भी इंक्लूड कर लो अगर हो सके तो ही, और ज़्यादा आप लोग वही करिए जो स्टैटिक पार्ट है, जो कॉमन है, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल वगैरह। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स में आगे भी देखने को मिल सकता है
कि पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चन आ रहा है, पावर ऑफ लेंसेज पे क्वेश्चन आ रहा है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, पावर ऑफ लेंसेज। कुछ डेटा दे देते हैं, उसके बाद पावर आपको बतानी होती है, ठीक है। बायो के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यानी कि साइंस का पार्ट भी इंक्लूड करा जा रहा है ज़्यादा, जो कि पहले इतना इंक्लूड नहीं हो रहा था। पॉलिटी के कम हो गए, पहले पॉलिटी ज़्यादा थी तो पॉलिटी कम हो गई, अब साइंस बढ़ गया है। तो और हिस्ट्री नॉर्मल जिस तरीके से पूछ रहे थे वही पूछी जा रही है, बाकी यही है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर ज़्यादा हो गया है, जो करा हुआ है उसी को ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का रिव्यू कम मिल पा रहा है, क्यों कम मिल पा रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता कि वो हिंदी पे पहुंच पाए। इंग्लिश में फिर वो बता देते हैं कि टेंसेस का कन्वर्जन आ रहा है, एक लाइन दे दी गई है उसमें बोल दिया गया इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, वो आप टेंस चेंज करने वाली बात आ रही है। आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, एरर फाइंडिंग पूछा जा रहा है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, एग्जैक्ट टेंथ लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद फिर दो पैसे ज़्यादा आते हैं जिसमें आपको रीडिंग में टाइम लगाना होगा, जिसमें आपको रीडिंग में टाइम लगाना होगा। वो पैसेज अगर 10 नंबर के हैं, आप पढ़ने लग जाते हो, तो हिंदी में आप लोगों के पास कम टाइम मिल जाता है, तो इसलिए हिंदी के रिव्यू बहुत कम आ पा रहे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उन्होंने पढ़े ही नहीं, तो वो आके बताएंगे क्या कि हिंदी क्या क्या थी, क्या आई थी, ठीक है। तो जिन्हों जो लोगों ने कर पाए, जो लोग पहुंच पाए, उनका यही है कि भाई इंग्लिश हिंदी बिल्कुल आसान आ रही है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हो रही इंग्लिश हिंदी में, क्योंकि सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उसमें आपको बोल दिया जाता है कि शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा बताना है। हिंदी में भी PQRS, जैसे इंग्लिश में PQRS होता है ना, कि भाई चार आपको दे दिए जाती है सेंटेंस, उनको कनेक्ट करके एक पैराग्राफ बनाना, तो हिंदी में भी वो का खा गा, मतलब उस तरीके से PQRS दिया जा रहा है, तो हिंदी में बहुत आसान दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा आसान ऐसा बताया जा रहा है। तो हिंदी तक कम रिव्यू आया है, जितना भी आया उस हिसाब से काफ़ी ईजी है, तो मैं यही कहूँगा भाई आप लोग हिंदी तक पहुँचिए, करिए, पढ़िए। तो अब तक का पूरा अभी तक एवरेज जो हम स्कोर निकाल रहे हैं, स्कोर नहीं सिर्फ अटेम्प्ट, स्कोर कम हो जाता है, एवरेज स्कोर कम हो जाता है, अटेम्प्ट एवरेज जो अटेम्प्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 140 से लेकर 150 तक के एवरेज अटेम्प्ट आ रहे हैं, और उसमें वो लोग खुश नहीं होके निकल रहे हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो 140-150 क्वेश्चन करने पर, उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो इतने क्वेश्चन करने पर आप लोग सेफ कैटेगरी में अभी स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जितना एनालिसिस पता चल रहा है। हो सकता है कि यही सेफ हो जाए, बट जिस हिसाब से बात हुई है अभी तक लग नहीं रहा है। कट ऑफ का हाई कम जाने का चांस अभी बाद में पता चलेगा, एक बार पूरा पेपर हो जाए, फिर हम RTI लगा के देखेंगे कि क्या अटेंडेंस रही, बच्चों से पूछेंगे कि आप फॉर्म फिल करें उसमें बताया कि आपका स्कोर, आपके अनुमानित कितना स्कोर बनता है, अटेम्प्ट कितने थे, उस हिसाब से एक गेस करके देखेंगे। बट स्टिल यहाँ पे 140-150 गुड स्कोर नहीं बन रहा है, क्योंकि लगभग सभी का इतना बन रहा है। जब सभी का इतना बनता है तो आपको खुद समझ में जाना चाहिए कि भीड़ से हटके ही चीज़ें हो पाएंगी, तभी बात बनेगी। तो आज का एनालिसिस यहीं पे समाप्त करूंगा, और आगे आने वाले दिनों में एनालिसिस, डेली एनालिसिस खत्म हो जाएंगे। अब मैं और एनालिसिस नहीं करूंगा, अब बस थोड़ी ही दिनों के एग्जाम रहते हैं, उसमें और आप लोगों के लिए कोई अपडेट होगा, जैसे RTI लगाएंगे या फिर कुछ और होगा तो आप लोगों के लिए बताएंगे, तभी आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करिए। यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को आगे जिनका भी एग्ज़ाम है, टाइम मैनेजमेंट के सिवा और कुछ भी मेरे पास आप लोगों के लिए ऐसा हटके बताने का नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स बिल्कुल भी हटके नहीं आ रहे हैं जितना मुझे, इतने मेरे को अब बातचीत करके लग रहा है कि टॉपिक्स बिल्कुल भी हटके नहीं है, बट वही है कि हिंदी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। चलिए, मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और फिर मुलाकात करते रहें हमसे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जय हिंद।